अस्सलाम वालेकुम। अज आपां गल करांगे काटन की डस्की बग ते कि डस्की बग काटन की पैदावार दे विच किन्ना नुकसान करदी आ, इहदी वजह नाल पैदावार किन्ने फीसद घट जाती है, क्योंकि दो तीन वजूहत आ जिहदी वजह नाल फल का घेरा आउंदा वा। और सब तो वड्डी वजह डस्की बग आ, जदों फुल गुड्डी लगना शुरू हो जाती है तो नाल ही डस्की बग का हमला शुरू हो जाता वा। पहले तीन चार साल तो पहले की गल आ, ये एंड वाले दिन आती सी, लेकिन हुण इब्तदाई मरहल विच ये आ जाती है। तो ये जरा फुल गुड्डी का रस चूसती है जिहदी वजह नाल जरा फल कमज़ोर हो जाता वा और फल गिर जाता वा। तो इनू कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी आ, नहीं तो काटन की पैदावार दे विच तकरीबन 25-30% नुकसान हो जाता वा। ये तुसी इनू बकायदगी ना अपनी काटन नू चैक करो, अगर एक पौधे तो दो तो तीन नज़र आ जान तो स्प्रे करना बहुत ही जरूरी हो जाता वा, क्योंकि बहुत तेज़ी नाल इजाफा होता वा। और ये वास्ते जरा बेहतरीन और आसान हल आ क्लोथीनाडिन और बाईफेंथरीन। क्लोथीनाडिन 150 ml फी एकड़ और बाईफेंथरीन 250 ml फी एकड़ तुसी इस्तेमाल करो और बहुत ही नहायत और अच्छे रिजल्ट है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट ने मुख्तलिफ कंपनियां दे जिहड़े काफ़ी महंगे पैंदे ने, लेकिन क्लोथीनाडिन और बाईफेंथरीन और बहुत ही ये एक्सलेंट रिजल्ट आ और अजमाया हुआ रिजल्ट आ। और तुसी इस इंशाल्लाह इस्तेमाल करो, बहुत ही आउट प्लस रिजल्ट आएंगे। और कोशिश करनी है कि स्प्रे शाम टाइम करनी है और साफ पानी इस्तेमाल करना वा, मिट्टी वाला पानी यानी कि खालिज खड़ा पानी इस्तेमाल नहीं करना, साफ पानी इस्तेमाल करना वा और शाम टाइम स्प्रे करनी है। बहुत ही अक्सर रिजल्ट होंगे। तुसी यह इंतज़ार ना करो कि डस्की बग शुरू होएगी तो फिर स्प्रे होए करांगे, तुसी यह इंतज़ार ना करो, तुसी स्प्रे करो, एहतियातन भी स्प्रे कर सकते हैं। तो उस तो अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो काटन की खुराक पर बनावांगे इंशाल्लाह।